शिवसेना जिंदाबाद, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। बीते दिनों मार्बल सिटी हॉस्पिटल की मनमानी को लेकर हुए प्रदर्शन ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। बता दें कि शैलेंद्र बारी, जो कि शिवसेना जिला अध्यक्ष हैं, उनके चाचा रमेश बारी का मार्बल सिटी हॉस्पिटल में तथाकथित रूप से एडमिट न करने के कारण निधन हो गया था। इसके बाद मार्बल सिटी हॉस्पिटल की लाइसेंस को लेकर रद्द करने की मांग उठने लगी थी। इसी संबंध में एसपी ऑफिस पहुंचकर एक बार फिर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर कार्यवाही नहीं की गई तो मार्बल सिटी हॉस्पिटल के सामने धरना शुरू कर दिया जाएगा। पूर्व में मेट्रो हॉस्पिटल जोधपुर द्वारा हमारे चाचा श्री के इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई, हमारे परिवार द्वारा किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की गई, ना ही हमने किसी कर्मचारी को मारा हमारे परिवार के लोगों ने। उस समय ओमती थाना के थाना प्रभारी श्री वकील साहब भी वहाँ उपस्थित थे, पूरा स्टाफ 25 से 30 स्टाफ थे। हमने किसी प्रकार तोड़फोड़ नहीं की, मगर प्रशासन जो अस्पताल प्रबंधक है वो कह रहे हैं हमने तोड़फोड़ की है, परिवार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही इनका हमारे चाचा की इनकी लापरवाही के कारण मृत्यु हुई है। हम प्रशासन शासन से मांग करते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। और जो सीजीएस कार्ड के नाम पे जो शासन इनको भेजता है, हैं, मगर ये सीजीएस इस समय कोरोना काल में जबरदस्ती कोरोना कहकर लोगों को पूरे शहर पे इस अस्पताल जो है कोरोना के नाम पर लोग मर रहे हैं, और ये सीजीएस कार्ड वाले को ले नहीं रहे, पैसे वाले को ले रहे हैं, जबकि सीजीएस कार्ड वाले भी पैसा उनका कटता है। मगर हम मांग करते हैं कि ऐसे अस्पतालों के सीजीएस कार्ड बंद किए जाएँ, आयुष्मान कार्ड बंद किए जाएँ, हैं, जे इनकी आड़ पे जो अवैध धंधा वसूली इनका चल रहा है। हम अभी हमारी मांग पूरी नहीं होती तो मंगलवार को सांस्कृतिक धंधा धरना हम मार्बल सिटी के हॉस्पिटल के सामने मंगलवार को हम लोग 12 बजे से वहाँ पर धरने में सांस्कृतिक धरने में बैठेंगे। आज हम शिवसैनिकों के द्वारा कलेक्टर महोदय के नाम एक ज्ञापन जबलपुर के जो मेट्रो सिटी हॉस्पिटल भंवरताल गार्डन के सामने उसकी लापरवाही से हमारे जबलपुर जिलाध्यक्ष शैलेंद्र बारी जी के चाचा रमेश बारी जी का जो निधन हुआ है उस पर कार्रवाई को लेकर दिया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी, परंतु आज दिनांक तक उस हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही साथ हमारी मांग एक और ये है कि जिस प्रकार से सरकार ने हॉस्पिटलों के लिए चिकित्सकों के लिए एक कानून बनाया है, उसी प्रकार से वे मरीजों के लिए भी कानून बनाए कि मरीजों की जान यदि चिकित्सक की या मैनेजमेंट की लापरवाही से जाती है तो वो उसके लिए दोषी है और उसको सजा का प्रावधान हो। इस प्रकार की मांग को लेकर के आज हम लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पलपल इंडिया।